हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी कोई ठीक होंगे। और आज आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लाए हैं। ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिंदी है। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं, कोरोना का दौर जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली सब जगह फैला हुआ है। लेकिन अभी जैसे कि हम झारखंड से हैं, तो यहाँ के स्कूल्स जैसे कि 9 to 12 है, वो खुल चुकी हैं। सारी बच्चियाँ या फिर बच्चे जो भी हैं कॉलेज अटेंड कर पा रहे हैं। और हमारे जो सरकार हैं वो भी कुछ वैकेंसीज जैसे कि सीटेट, नेट वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्कूल टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज आ गई हैं। तो मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी व्याकरण हुआ, सिविक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि हिंदी में जितने भी व्याकरण हैं, है ना, तो ये कुछ कुछ हमारे हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सीटेट हुआ, जेटेट हुआ, आरटेट हुआ, तो जो भी जहाँ से हैं तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बस उसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी में, संज्ञा, जो कि आप लोग सभी कोई भली भांति जानते हैं संज्ञा के बारे में। तो आज आप लोगों के लिए संज्ञा का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको हम आज आप लोगों को फेस टू फेस कॉपी से करवाएंगे, क्योंकि हम कॉपी में आप लोगों को समझा के वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम अभी फेस टू फेस इंटरफेस इसलिए हुए ताकि आप लोगों से बात कर सकें और आप लोगों के बारे में जान सकें। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि मेरा चैनल है हिस्ट्री विद शिल्पी, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आप लोग चैनल तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों को हम ले चलते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं संज्ञा की ओर। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि संज्ञा में किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो आप लोग सभी कोई जानते हैं संज्ञा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, इसमें से जो भी इंडिकेट किया जा रहा है तो ये संज्ञा ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैसे कि संज्ञा के ही बारे में है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अर्थ के विचार को रखा गया है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे अर्थ के विचार अगर देखा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वैसे हमारा संज्ञा तो 3 ही है, लेकिन अगर अर्थ के विचार से स्टूडेंट्स अगर कहा जाए, क्वेश्चंस में अगर आए सीटेट वगैरह में कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको टिक करके आना है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। ठीक है, तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक का डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्वेश्चंस में आया है। देखिए स्टूडेंट, जिस संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम व्यक्ति में ले लेते हैं राम, श्याम, मोहन, है ना। और अगर हम स्थान का बात करते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, है ना, दुमका हुआ, रांची हुआ। और वस्तु, जैसे कि अभी आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से वीडियो को देख रहे हैं या नहीं तो कॉपी में नोट कर रहे होंगे। तो उस प्रकार जिस संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारा एक यमुना हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं दर्शाने को लिए कहा। जातिवाचक का आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन कि जिस संज्ञा में जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, लड़का, लड़की, यहाँ पे जाति दर्शा रहा है। लड़का में बहुत सारे बॉयज हैं, लड़की में बहुत सारे लड़कियाँ हैं, पेन है यानी कि पेन का अलग सर्कल है, नदी है यानी यहाँ पे नदियाँ का बोध हो रहा है, यानी कि जो भी जाति का बोध कराते हैं, यानी कि इसमें से जवान है, बालक है, सुंदर है, मनुष्य है। देखिए जवान जो है यहाँ पे जातिवाचक का जातिवाचक का बोध हो रहा है, बालक में बहुत सारे बच्चे हैं ये भी हो रहा है, सुंदर में नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर है, इसमें विशेषताएं दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, विशेषताएं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सुंदर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, यानी कि हमारा स्त्रीत्व शब्द में जो संज्ञा आती है यहाँ पे भाववाचक है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम भाववाचक का डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे कि इस संज्ञा में प्रत्यय का बोध होता है, सबसे पहले स्त्रीत्व, स्त्रीत्व है, प्रत्यय का बोध हो रहा है। जैसे कि स्त्रीत्व, अगर सिर्फ स्त्री रहता तो ये जातिवाचक होता फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्त्रीत्व है, यानी कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक के रूप में बदल जाता है। मोस्टली आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा भाववाचक में, ठीक है। भाववाचक में क्या होता है बच्चों, की भाववाचक में गुण का बोध होता है, जनरली आपको भाववाचक संज्ञा इसमें आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि हम लोग प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डाल देंगे। प्रत्यय देखिए, जैसे फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि प्रत्यय जो होता है ना, वो शब्दों के साथ चलने वाला शब्द होता है, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बिकाऊ, बिक जोड़ आऊ, बिकाऊ, मिठास, आलस्य, स्त्रीत्व, हरियाली, ये सब क्या है, ये सब क्या कहते हैं, प्रत्यय है। जैसे कि बिकाऊ है तो बिकाऊ में आपका जाकर के लास्ट में प्रत्यय लग गया, स्त्रीत्व है, लास्ट में प्रत्यय लग गया, ठीक है। और ये जो अभी ये संज्ञा के बारे में जो भी आप लोगों को डेफिनेशन दिए हैं फ्रेंड्स, इसके आप लोग, तो जैसा भी आप लोग ने कॉपी में देखा जस्ट वैसे ही आप लोग को प्रिपेयर होना है, ताकि आने वाली कोई भी एग्जाम में आप लोग सही तरीके से टिक करके आएँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।